हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग का भी टाइम है और आज मैं लग गई हूँ सुबह सुबह देखिए क्लीनिंग करने में, क्योंकि जो दीवारें हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं और जो मिट्टी होती है ना बारीक मिट्टी होती है तो वो मालूम नहीं पड़ती है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं थोड़ी सी अपनी कर लेती हूँ क्लीनिंग, तो बस वही मैं लगी हुई हूँ। और टाइलें भी गंदी हो रही थी तो मैंने सोचा चलिए, और जो बेड था वो मैंने उसकी जगह चेंज कर दी है, क्योंकि बेड के नीचे ना इतना सारा कूड़ा हो जाता है इकट्ठा, तो वो क्या होता है ना उसके नीचे झाड़ू पहुँच नहीं पाता है। तो मैंने ना बेड पड़ा था वहाँ पे मैंने सोफा डाल दिया है और बेड को थोड़ा अलग मैंने खिसका दिया है। तो बस लगी हूँ मैं क्लीनिंग करने में। और जो मेरा दिख रहा है ना पंखा, तो इस पंखा ये मेरा ना मैं साफ़ इसको कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना ये खुल के ही साफ़ होता है। तो देखिए अयान के डैडू ने इसको खोल दिया था तो इसको कर दिया है साफ़। और वाइट कलर होता है ना बहुत जल्दी गंदा होता है, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो इन्होंने करके इसको साफ़। और देखिए अब ये लगा रहे हैं, तब तक मैं अपनी जो दीवारें हैं सारी वो कर देती हूँ क्लीन। और इधर देखिए अयान भी मेरे बैठे हुए हैं। कहते नहीं अगर किसी काम में लग जाओ ना तो लग जाते हैं, आलस आता है तो आलस आता ही रहता है, मेरा तो ऐसा ही रहता है। तो सारी क्लीनिंग हो गई है और इतनी क्लीनिंग करने में ना मुझे पूरा 1.5 घंटा लग गया जब जाके मैंने कर पाई है। और देखिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। और इधर मेरे देखिए आनू बैठे हुए हैं जो कि देख रहे हैं कार्टून, और आज ये स्कूल गए नहीं थे, इनके थोड़ी सी चोट लग गई है इस वजह से, तो ये बैठे एप्पल खा रहे हैं। और बस अब मैं जा रही हूँ नालू जाके। और आज है अयान के डैडू का बर्थडे, वैसे वो अपना बर्थडे कभी मनाते नहीं है लेकिन अयान पीछे पड़ा है तो देखते हैं शाम को क्या होता है। तो अयान कह रहा था कि पापा केक लेके आना, तो शाम होगी जब देखते हैं। अभी फ़िलहाल तो अपने जा रहे हैं, मैं नहा लूँ और पूजा कर लूँ जाके। क्या बोला मैडम ने? क्या हुआ? पूरे दूध की चाय बनाई थी। नहीं अभी रखा और है उसमें मक्खन। कौन आ रहा था? मम्मा अभी बाजार गई थी, आपने बोला था ना केक लेके आओ, तो वही लेने गई थी ना मैं। केक? हाँ केक रखा है, अभी शाम को काटना पापा के साथ। ठीक है हाँ, मैं झूठ बोलती। क्या झूठ बोला है? बड़े वाले मैं खाऊंगा। थोड़ी सी मैं हो गई हूँ रेडी। और मालूम क्या हुआ, मैंने एसी नहीं चलाई है क्योंकि बलून फूट जाएंगे, इस वजह से मैंने इधर वाला फैन चला रखा है। और पसीना में मेरा हो रहा है बुरा हाल, देखिए। बस थोड़ी सी मैंने डेकोरेशन की है, ज़्यादा नहीं की है। और जब अयान का बर्थडे हुआ था ना उस टाइम पे मालूम क्या हुआ, मुझे 3 घंटे लग गए थे करने में। और उस टाइम पे ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि मैंने हॉल में सारी सजावट कर रखी थी, तो आधे से ज़्यादा तो बलून मेरे फूट गए थे। तो बस हल्का सा मैंने कर लिया है क्योंकि अयान काफ़ी पीछे पड़ा हुआ था इस वजह से। और अयान के डैडू अभी नहीं आए हैं और अभी बज चुके हैं 9 रात के, और काफ़ी देर से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा अयान भी इंतज़ार कर रहा है, देखिए बैठा हुआ है। तो अयान 2-3 बार फ़ोन कर चुका अपने डैडू को कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, तो कह रहे 5 मिनट कर करके ना 2 घंटे हो गए अभी तक नहीं आए हैं। अयान के डैडू को ना कुछ भी पता नहीं है कि केक आया है या क्या हुआ क्या नहीं है। अब देखना आके उनका रिएक्शन कैसा होगा। आग बंद करके लाई है। अयान कह रहा है मम्मा पापा को ना पापा हैप्पी बर्थडे। अयान कह रहा मम्मा पापा को सरप्राइज देना, वही तो वही तो कह रहा था ये। आनू को गोदी तो ले लो बेचारी ने, इतनी मेहनत करी है पता है, मम्मा के साथ बलून फुलाए हैं इसने। इधर आनू ने मालूम आनू के डैडू आए वैसे ही अयान ने आंखें बंद करके और कमरे में लेके आया अपने डैडू को। क्या अयान क्या कह रहे थे फोन पे? पापा हैप्पी बर्थडे। और दूसरा क्या है? हैप्पी बर्थडे। अयान कह रहा है कि पापा सरप्राइज है आपके लिए। मैं आया वो गेट पे आंख बंद कर दी, स्पीड में कैसे चलाऊंगा। और अयान की वजह से ये पहली बार अपना बर्थडे मना रहे हैं, अभी तक इन्होंने कभी केक नहीं काटा है। अयान के कटवा रहा है।
चलिए अब इनका काटती हूँ केक। और वैसे तो इनको कहीं जाना था लेकिन कैंसिल कर दिया है जाना। फटाफट इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए, कपड़े चेंज कर लिए फटाफट। मारेगा बैठ जाओ। सबसे ज्यादा खुश देगी मेरा किट्टा है। किट्टा सबसे ज्यादा खुश है। किसके लिए? सही बोलेगा, मुझे पता ही नहीं है। दिखा दे बेटा, दिखा निकाल के। ऐसे तो ट्यूशन पढ़ रहा था, पहली बार बर्थडे मन रहा है लला के राज्य में। बता, कोई अपनी उम्र नहीं बताता, ये अपनी उम्र भी बता रहे ना। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो है 12 तारीख का, यानी कि 12 सितंबर का, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला एडिट करने का, तो ये पड़ा हुआ था। आज जाके मुझे टाइम लगा है, तो देखिए मैंने एडिट कर रही हूँ मैं इसको, क्योंकि मैं गांव चली गई थी तो इस वजह से मैंने कर नहीं पाया था। और इधर देखिए इतनी मस्ती हो रही है। तो देखिए ये लाए थे ना चलाने के लिए, तो ये चला ही नहीं था। तो आनू के जो मौसा जी हैं ना, उन्होंने क्या करा, इसको ना ऐसे ही आज से ही फैला दिया है। और अयान बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे इस टाइम पर। और मैं ज़्यादातर मालूम क्या करती, ज़्यादातर नहीं करती, मुझे डर लगा रहता है अगर मैं कोई म्यूजिक लगा दूँ या गाना लगा दूँ तो क्या होता ना, कॉपीराइट आ जाता है। तो इस वजह से मैंने इस पे गाना नहीं लगाया है, क्योंकि कॉपीराइट का काफ़ी पंगा रहता है। और हर वीडियो पे मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि चलो अगर मैं लाइव नहीं बोल पाती हूँ तो वॉइस ओवर में कर देती हूँ। ये दोनों आपस में लगे हुए अपने एक दूसरे अपने मुंह में केक लगाए जा रहे। देखिए ये भी एक बंदर बना हुआ है और एक बंदर ये बना हुआ है। लग गई है ज्यादा? लग गई नहीं, वो पहले की लगी हुई। आजा, अब मेरा किट्टा बेचारा इधर उधर जाली मार रहा है, तो किट्टा अकेले ही ताली मिलाया जा रहा है। किट्टू बोलो, ऐसे करो ना। आज इन्होंने ना पहली बार कैमरा पकड़ा है अपने हाथ में, इनको बहुत शर्म आती है, कभी आते नहीं है, आज आ रहे हैं पहली बार। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अयान कह रहा है पापा मम्मी आपके लिए ना गिफ्ट लेके आई है। अयान ने कुछ देखा भी नहीं है, फिर भी अयान बोले जा रहा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, कपड़े करूंगी बाद में चेंज। क्या हुआ? आ जाओ इधर आओ। भूत बना हुआ है, अब कह रहा मम्मा मेरा मुंह धो दो। ओला तू खाले खाले, मेरे तो ना बालों में भर गए। ओला तू खाले खाले, 60 रुपये 12। हाँ ये काफी दिन की रखी हुई है, मुझे कच्ची गड़ी। वैसे नहीं बोलते, अब तो बोलेंगे। आज मैं किचन में आई हूँ और मालूम आज सारा काम सोनी ने करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, तो इस वजह से मैंने वीडियो भी नहीं बनाया और मैंने कुछ दिखाया भी नहीं कि मैंने क्या बनाया था क्या नहीं बनाया। और एक चीज मैं बताऊं, अयान के डैडू का जो गिफ्ट है वो है अभी उधार, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आई थी, क्योंकि कनागत शुरू हो गए, इस वजह से मैं कोई गिफ्ट लेके नहीं आई उनके लिए। तो कह रहे थे क्या लेके आई हो, तो मैंने उनसे बोला पहली बार ऐसा हुआ जो मैं उनके लिए कोई गिफ्ट लेके आई नहीं हूँ। और वैसे इनका जब बर्थडे होता था ना तो कनागत से पहले पड़ता था, इस तो मैं लेके आती थी, लेकिन अब की बार मैं लेके नहीं आई हूँ। हाँ लेकिन मैं कनागत ख़त्म हो जाए उसके बाद मैं ज़रूर लेके आऊँगी। और खाना पीना खा के हो गए हैं फ्री बिल्कुल। और अब मैं जा रही हूँ, करती हूँ अपने कपड़े चेंज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आनू मम्मा ड्रीम। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।